अधिकारी सीएम नायब सैनी ने प्रधानमंत्री को जीत का श्रेय दिया है। जिस तरह से बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है हरियाणा विधानसभा में, इस जीत का श्रेय देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए हैं प्रधानमंत्री को। उन्होंने जीत का अपना श्रेय दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से हमें जीत मिली है, सीएम सैनी ये कहते हुए नजर आए। जनता ने तीसरी बार सेवा का मौका दिया है। नायब सिंह सैनी की ओर से यह बयान निकल करके सामने आया है। हरियाणा में कांग्रेस का झूठ नहीं चला है, कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया है, कांग्रेस झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी। ये तमाम तरीके के बयान कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया है। अब कांग्रेस ईवीएम पर झिकरा फोड़ रही है, मुझे नहीं पता कि सीएम कौन होगा, तो सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। सीएम सैनी की ओर से यह कहा गया है, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सर्वमान्य होगा। सीएम सैनी ने कहा है कांग्रेस भ्रष्ट और आप महाभ्रष्ट पार्टी है, ये भी बयान दिया है उन्होंने। कांग्रेस ने जलेबी पर राजनीति की है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से यह भी कहा गया है, हरियाणा में कई तरह का खान पान फेमस है, राहुल को हरियाणा के बारे में जानकारी नहीं है, कांग्रेस नेताओं पर जलेबियां भेजेंगे। ये तमाम तरीके के कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा और कांग्रेस हरियाणा के कांग्रेस पार्टी पर, आपको बता दें कि राहुल गांधी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए हैं। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री को जीत का श्रेय दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा की जनता ने बड़े मैंडेट के साथ एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया है। जनता ने तीसरी बार सेवा का मौका दिया है, जनता ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में बीजेपी को एक बार फिर से भेजा है। हरियाणा में कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया है। कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया है, यह भी एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री की ओर से सामने आया है। कांग्रेस झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी, सीएम सैनी ने यह बयान दिया है। तो अब कांग्रेस ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रही है। बताते चले आपको कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि सीएम कौन होगा, ये कार्यवाहक सीएम सैनी की ओर से कहा गया है। सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड ही करेगा। तो बताते चले आपको कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला जो होगा सर्वमान्य होगा, ये नायब सिंह सैनी की ओर से बयान दिया गया। इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां ऐसी योजनाएं चलाई हैं। आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं, उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा था, सर्वे की अपनी रिपोर्ट होती है, उनका अपना आंकलन होता है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरा भी आंकलन है, क्योंकि मेरा आंकलन ये है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, मुझे पता, उन्होंने गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। मैंने इसी आधार के ऊपर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत लेकर के आ रही है, इसका श्रेय पूरा का पूरा अगर जाता है वो मोदी जी को जाता है और कार्यकर्ताओं को जाता है। मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और पार्लियामेंट मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायक दल
अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा, किसको नहीं चुनेगा, जिसको भी चुनेगा, हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं, हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे को देखिए। कांग्रेस के डीएनए के अंदर है ये, इन्होंने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया, दलितों को अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। और कांग्रेस ने हमेशा, आप इनका कार्यकाल देखिए, ये यहाँ से नहीं है, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, उसको अपमानित करने का काम, इनका झूठ तीन जगह चला है, एक हिमाचल में चला है, एक कर्नाटक में चला है, एक तेलंगाना में चला है, और अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं है। अब इनका झूठ राजस्थान ने ठुकरा दिया है, मध्य प्रदेश ने इनके झूठ को ठुकराया है, और छत्तीसगढ़ ने इनके झूठ को ठुकराया है, अब हरियाणा के लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि ये झूठ बोलते हैं, इनके पास झूठ से सिवाय कुछ नहीं है। इनकी मंशा को, इनकी सोच को आज समझ चुके हैं कि कांग्रेस विकास की बात नहीं करती, झूठ की बात करती है, और उस झूठ को लेकर उनको निकालती है। हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है, मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है, एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। परंतु ये सा हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृती फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है, परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीजें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया, और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। आदमी तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है, वो तो कांग्रेस से आगे है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का आपस में तालमेल है, ये तो उनकी सीटों को लेकर के झगड़ा हुआ, नहीं तो लोकसभा में तो दोनों गले मिल गए थे, एक दूसरे को गाली भी देते थे, विधानसभा में भी मिलने वाले थे, और तो सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बना, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कांग्रेस भ्रष्ट है और आम आदमी उससे महाभ्रष्ट है। अगर कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहे तो आम आदमी भ्रष्ट है, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। देखिए उनको, उनको आप पूछ सकते हैं, हमने तो बार बार ये कहा है, INLD के नेताओं को भी कहा है कि भाई थोड़ा जोर मारिए, जोर मारना चाहिए, लंबे समय तक आप लोग सत्ता के अंदर रहे हैं, परंतु वो उतना कवर नहीं कर पाए।